उत्तर प्रदेश में चल रहे विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान बीजेपी और कांग्रेस नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। अपने पार्टी के पक्ष में वोट मांगते हुए चित्रकूट के कांग्रेस विधायक राजमन बेंजाम ने यूपी सरकार और आरएसएस को आतंकवादी बताया, तो वहीं बीजेपी नेता शुभाव राम ने कांग्रेस विधायक के बयान पर कहा है कि ऐसे बयान देकर विधायक सुर्खियों में रहना चाहते हैं, ये मूर्खता वाला बयान है। बीजेपी के जो नेता है और यहाँ के जो आरएसएस संगठन है, ये तो हमारे छत्तीसगढ़ में जो नक्सलाइट है उस तरह से यहाँ यूपी में उन लोग आतंकवाद मचा के रखे हैं। हमारी सरकार आएगी तो कानून व्यवस्था सबसे पहले प्राथमिकता रहेगी। यहाँ के लोगों को, यहाँ के रहने वाले लोग को हम लोग कानून व्यवस्था अच्छी तरह से देंगे। तो किसी तरह से हेडलाइन में बने रहे, कुछ भी बोल दो, तो उसी मानसिकता से ये बयान दिया गया है। पूरी तरह से बचकाना और बचपना है।